किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सम्मानित कमेटी के सदस्य, हमारे बीच में प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं और यहाँ उपस्थित मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मीडिया के बंधुओं। साथियों, कल 12:30 बजे हजारों ट्रैक्टरों के साथ हजारों किसानों ने आंदोलन के 15वें दिन नेशनल हाईवे को जाम करके जो ताकत दिखाने का काम किया है, उसके लिए सभी किसान जो है वो बधाई के पात्र हैं। आप सबको सैल्यूट है, सबको सैल्यूट है। साथियों, मुद्दा हमारा एक ही था, एक ही है कि हमारे 272 गांवों का जो 641 करोड़ रुपए बीमा क्लेम है, वो बीमा क्लेम हमारा हक है। चोपटा की तहसील में 3 महीने तक हमारी आवाज नहीं सुनी गई, हमारे से झूठ बोला गया। नारायण खेड़ा में हमारी बात नहीं सुनी गई, हमें कड़ा फैसला लेना पड़ा और आपने दिखा दिया कि किसान ना कभी हारा है और ना कभी हारेगा, ये हमारी ताकत है। और सरकार पहले भी हारी है और सरकार आज भी हारेगी, जीतेगा किसान। साथियों, आपको एक निवेदन किया गया था, आपको एक निवेदन किया था कि जो भी बात होगी वो कहां से बताएंगे, इसी माइक से बताएंगे। और हम आपके वकील हैं, हमारा काम है आपकी लड़ाई लड़ना, आपकी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, तभी तो आपका आशीर्वाद मिलेगा। साथियों, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। और नेशनल हाईवे बंद किया था, कोई गांव की लोकल सड़क बंद नहीं की। आपकी ताकत देख करके, आपकी ताकत देख करके और राजनीति वालों के पेट में मरोड़े जरूर उठेंगे, वो हमें फाटने का काम करेंगे, लेकिन आप बता दें इस बात को कि हम एक थे, एक हैं और एक होकर के लड़ेंगे। हमें दो कोई कर नहीं सकता, कोई हमें दो नहीं कर सकता। हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी काम करेंगे आपको विश्वास में लेकर के करेंगे और किसानों के हकों के लिए। नेशनल हाईवे छोटी बात है, अगर फांसी के फंदे पे भी चढ़ना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सबसे आगे मिलेंगे आपको। साथियों, हम बातचीत के विरोधी नहीं है, बातचीत से लोकतंत्र में समाधान होने चाहिए। आंदोलनों में बातचीत होती है, बातचीत से समाधान होते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत है हम आंख में आंख डाल करके एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। और ये एकता और जो ये विश्वास है हमारा और ये जो भाईचारा और ये परिवार जो हमारा इकट्ठा हो रहा है, आज फिर सबको अपील करूंगा, अपना संगठन और भाईचारा मजबूत रखना, तुम्हारा भाईचारा मजबूत होगा। राजनीति वालों को, सरकार वालों को पेट में दर्द होगा और तुम इकट्ठे होगे तो तुम जीतते जाओगे, कहीं झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पहली बार इतनी बड़ी एकता, इतना बड़ा भाईचारा। कुछ साथी मुझे कह रहे थे ये बात चल रही, वो बात चल रही, ये बात चल रही, वो बात चल रही,
मका बातचीत चलाने वाले बातचीत चलाएंगे और हम आंदोलन चलाएंगे, सरकार को हराएंगे और किसान को जिताएंगे। हमारा तो एक ही लक्ष्य है। तो साथियों, एक मौका ऐसा आया, अब मैं अगली बात पे आता हूं। 12:30 बजे हाईवे जाम किया और 9:30 घंटे तक, जब तक हमारी बातचीत आगे नहीं बढ़ी, हमने इस हाईवे को चक्का जाम किया 9:30 घंटे तक। साथियों, लगातार 9:30 घंटे। लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम सबको इकट्ठा करके लड़े और आंदोलन को जीत की तरफ बढ़ाए और मेरे परिवार के एक भी सदस्य को, हमारे को चाहे जो हो, मुकदमे हो, जेल हो, चाहे जो हो, हमारी हर संभव ये कोशिश रहती है कि मेरे परिवार के एक भी सदस्य की उंगली तक पर भी चोट नहीं लगनी चाहिए। ये हमारा लक्ष्य होता है। आपको आग में झोंकना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन आंदोलन जीतना हमारा लक्ष्य है और सिर जोड़ने से आंदोलन जीते जाएंगे। तो साथियों, शाम को जो वार्ता हुई और उस वार्ता की कमेटी में जो लोग शामिल थे उनको आगे बुला लिया, सारे आपके आगे मौजूद हैं वार्ता की कमेटी में जो शामिल थे। बातचीत क्या हुई वो आपको बता रहा हूं। और बातचीत से पहले एक बात आपको जरूर बता दूं कि ये जो बीमा क्लेम की लड़ाई है, ये जो 600 से 700 करोड़ के बीमा क्लेम की लड़ाई है, इस लड़ाई को साथियों हम जीतने जा रहे हैं। मीटिंग हुई, मीटिंग में यहां के डीसी, हिसार के एसपी, एसडीएम और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी रहे। एक लंबी मीटिंग चली, एक बार सुनेंगे, एक लंबी मीटिंग चली और एक लंबी मीटिंग में मैं उन कमेटी के सभी साथियों को धन्यवाद दूंगा जिनको आपने एक ताकत दे करके एक जिम्मेवारी दे करके भेजा था। कमेटी के साथियों ने उस जिम्मेदारी को 100% निभाने का काम किया है। उन सब का भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। साथियों, हमारे बीच में यहां के डीसी और एसपी और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं। मेरी एक प्रार्थना है, सबको आ चुके हैं, आ रहे हैं, एक प्रार्थना है मेरी सबको। हम पंचायती लोग हैं, अनुशासन और शांति में रहने वाले लोग हैं। जो आंदोलन के जीत के कदम बढ़े हैं वो आपके जिले के डीसी आपके बीच में आकर के रखेंगे, सभी किसानों के बीच में आकर के रखेंगे साथियों। और यहां से हम संगठित होकर के, कल भी एक बात कही थी कि इकट्ठे आए थे और जीत के साथ इकट्ठे वापिस जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे, जीत के साथ इकट्ठे चलेंगे। तो मेरी सबको प्रार्थना है कि जब अधिकारी अपनी बात यहां रखेंगे, कोई भी आदमी पंचायती परंपरा का उल्लंघन ना करे, मर्यादाओं को हम ना लांघते हैं ना लांघना चाहिए, और हमारी जो पंचायती परंपरा है वो और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, इस बात का सब विश्वास दिलाते हो कि नहीं दिलाते, हाथ उठा करके बताओ। धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा, अगर डीसी सिरसा और एसपी साहब यहां पहुंच गए हो तो वो यहां आ जाएंगे मंच पे, एक दो बात आपको कह करके
क्योंकि कोई सकसंका की बात नहीं है। पहली बात आप सुन लें, जो वार्ता सफल हुई है, जो आंदोलन के जीत के कदम बढ़े हैं, हम एक तो नेशनल हाईवे नंबर 9, हम आंदोलन केवल स्थगित कर रहे हैं, आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं, नेशनल हाईवे वाला। और यहां से फिर डीसी साहब नारायण खेड़ा जाएंगे और जिन हमारे भाइयों ने 16 दिन तक मौत के मुंह में रह करके लड़ाई लड़ी है, उनको सम्मान के साथ डीसी जो है नीचे उतारेंगे सबकी मौजूदगी में। साथियों, सबकी मौजूदगी में यहां से सारे इकट्ठे चलेंगे और इकट्ठे चल के नारायण खेड़ा में और भी लोग मौजूद हैं, सब वहां इकट्ठे चलेंगे, उनको उतारेंगे। मैं निवेदन करूंगा जगह दे देंगे एसपी साहब और जो डीसी साहब आ रहे हैं उनको आगे आने देंगे। हाँ जी, बिल्कुल बुलाइएगा और सभी बैठ जाओ भाई। एक बार मीडिया के साथियों को कवर करने दो, बाकी सभी साथी बैठ जाएंगे। ये ट्रैक्टर थोड़ा सा पीछे कर दो, जगह निकाल दो आने के लिए। और साथियों, आपको पहले ये बात बता दूं, जो हमारी बातचीत हुई है, अपनी भाई मनदीप नथवान जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, जिन्होंने हिसार में आंदोलन को जिताने का काम किया, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। रास्ता थोड़ा सा दे देंगे। जो बातचीत हुई है वो बात आपके बीच में हम रख देंगे और उधर से जो निर्णय हुआ है वो जो डीसी साहब है वो आपके बीच में निर्णय रखेंगे। और साथियों, हमारी एक परंपरा, हम पंचायती लोग हैं, संस्कारों वाले लोग हैं और खेती किसानी करने वाले लोग हैं। हमारे बीच में जो अधिकारी आए हैं, डीसी साहब और दूसरे जो प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, हम उनका इस आंदोलन स्थल पे पहुंचने पे उनका स्वागत भी करते हैं, उनका अभिनंदन भी करते हैं। अगर आगे ना हो जी साथियों, जो बातचीत हुई है उस पे कुछ बात कर ले आगे। तो मैं बता, उनके आने के बाद बताऊंगा ना जी, उनकी मौजूदगी में, ताकि दो बार ना बतानी पड़े। सभी किसान भाई बैठेंगे, इधर थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी सी थी पीछे हो भाई साहब, थोड़ा करो यार, हमारे कैमरे एक बार जिन किसान भाइयों को आप आगे आ जाएंगे जी, जिन किसान भाइयों को बैठने की जगह मिले बैठ जाएंगे और मीडिया के साथियों को कवर करने देंगे। और जो डीसी साहब और एसपी गंगाराम पूनिया जी हिसार से हमारे बीच में पहुंचे हैं, जो वार्ता में शामिल थे, एक बार पुनः वो हमारे बीच में आए हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। बैठ जाओ जी आप सारे, बैठ जाओ साथियों, शोर ना करो। अमन भाई है हुई है साथियों, जो हमारा बीमा क्लेम का मुद्दा है, मीटिंग में जो सहमति बनी है वो बात एक बार मैं रख रहा हूं और उसके बाद सरकार और प्रशासन की तरफ से डीसी साहब जो है अपनी बात रखेंगे और फिर प्रार्थना है कोई शांति से सब बैठे रहेंगे। साथियों, जो बीमा क्लेम का मुद्दा है, 272 गांवों का जो 600 और 700 करोड़ के बीच में जो बीमा क्लेम है भाई साहब, उसमें सरकार और प्रशासन की तरफ से मीटिंग में ये तय हुआ है कि सभी किसानों का बीमा क्लेम जो क्रॉप कटिंग हुई है उससे
19 या 21 थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन 272 गांवों का बीमा क्लेम एक महीने के अंदर सभी किसानों के खाते में आएगा, ये तय हुआ है साथियों। दूसरी बात, ये जो हाईवे के ऊपर हम बैठे हैं, इस आंदोलन को हम स्थगित करेंगे। जो पानी के टंकी पे किसान बैठे हैं, उस आंदोलन को स्थगित करेंगे। और जो समय सीमा एक रखी है प्रशासन ने, सरकार ने, हमारा एक सांकेतिक धरना, जब तक एक एक किसान के खाते में एक एक बीमा क्लेम का रुपया नहीं आ जाएगा, तब तक भारतीय किसान यूनियन का एक सांकेतिक धरना नाथूश्री चोपटा के तहसील परिसर में चलता रहेगा, ये भी हमारा निर्णय है। रही बात कोई और केस गिर, कहने का मतलब यही है साथियों, जो आपने संघर्ष किया है, आपके कदम जीत की ओर बढ़ रहे हैं और हम इस आंदोलन को जीतने जा रहे हैं, इस बात में कोई दोराया नहीं है। आगे की जो बात है वो डीसी साहब जो है, मैं उनको निवेदन करूंगा, हमारे डीसी सिरसा पारथ गुप्ता जी वो अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। और एक बात और, उससे पहले यहां से हम जाएंगे सभी नारायण खेड़ा, और एक घंटे के बाद हमारे डीसी साहब और एसपी साहब, एसडीएम और दूसरे हमारे जो अधिकारी हैं, वो वहां पर पहुंचेंगे और चारों किसानों को पानी की टंकी से सम्मान एक खुशी के साथ उनको नीचे उतारेंगे, ये भी साथियों निर्णय है। आदरणीय डीसी साहब, थोड़ा सा एसपी साहब होइए, थोड़ा ऊपर कर लेंगे, कोई तो ये भाई जी ज्यादा ना खींचती हो। हेलो, डीसी सर थोड़े आगे हो दो, और साथ सभी साथियों को राम राम। आगे हो सर, आगे हो सर, थैंक यू सर। देखिए, जो हमारा खरीफ 2022 का जो कपास का बीमा है वो हमारे जिले में आना बाकी था। हमारी बातचीत जो है दिल्ली स्तर पर चल रही है और पीछे भी चल रही थी, उसका नतीजा ये हुआ कि 14 तारीख शाम को हमारे कुछ किसान साथियों के 34 गांव में करीबन 20 करोड़ रुपए जो है वो बीमा राशि आ गई है। आगे जो बकाया राशि है बाकी सभी गांव की, वो एक महीने के अंदर जो है आने लग जाएगी और क्रॉप कटिंग प्रक्रिया के अनुसार जो नुकसान निकाला गया था उसके अनुपात में जो जायज राशि है वो हमारे किसान साथियों के खातों में जल्दी आने लग जाएगी। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे हाथ में जितनी बात थी उससे दो कदम जो है फालतू चले हैं, और इतना मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ये राशि जो है बीमा की, इसको हम जल्द से जल्द लेके आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। एक बार देखिए, हमारे बीच में हिसार के एसपी है गंगाराम पूनिया जी, और अभी वो कल से जो है किसान आंदोलन के बाद यहाँ सिरसा के भी एसपी हो चुके हैं, उनका एक बार नियुक्ति पे स्वागत भी है, और मैं निवेदन करूंगा कि वो भी दो बात आप सबके बीच में रखेंगे। गंगाराम पूनिया जी, सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। जैसा कि आप सभी को पता है, कल रात में आपकी कमेटी के साथ में प्रशासन
बातचीत से इसका समाधान निकाला है। और जैसा कि डीसी साहब ने कहा है और आश्वासन दिया है, प्रशासन पूरी अपने तरफ से बेहतर प्रयास करेगा कि किसानों के हित में जो भी बेहतर कदम उठाया जा सके उठाए जाए। थैंक यू। सभी डीसी साहब का, एसपी साहब का और एसडीएम साहब और डीएसपी साहब और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, आए हैं, उनका स्वागत है, धन्यवाद है। और जो प्रयास आपने अब तक किए हैं उसके लिए भी धन्यवाद है। और फिर यही हमारी अपील और प्रार्थना है कि जो बातचीत हुई है उस बातचीत के ऊपर हम पूरा 100% पूर्ण विश्वास करते हैं कि तय समय सीमा में काम होगा, जिससे प्रशासन का और आंदोलन का जो सामंजस्य है वो आगे भी बना रहेगा और वार्ता से हल निकलते रहेंगे। मैं सभी हमारे आदरणीय अधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं। अब प्रार्थना है सबसे, डीसी साहब और एसपी साहब और सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो ठीक 1 घंटे बाद नारायण खेड़ा गांव में पहुंचेंगे और हमारे साथी जो 16 दिन से टंकी के ऊपर हैं, उनको एक जीत के साथ, एक खुशी के साथ उनके संघर्ष को नमन करते हुए उतारेंगे। सबका धन्यवाद है और सभी हमारे डीसी साहब और एसपी साहब का धन्यवाद है।